हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 मैथ्स के मिड पॉइंट थ्योरम पर बेस्ड एक केस स्टडी को सॉल्व करेंगे। आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस चेक व्हाट इज मिड पॉइंट थ्योरम। मध्य बिंदु प्रमेय। इस प्रमेय के अकॉर्डिंग बेटा क्या रिजल्ट हमारे पास आता है? देखिए, ये एक ट्रायंगल है जिसमें कि डी और ई आपको दिख रहे हैं। ये इस तरीके से है कि डी इस भुजा का मध्य बिंदु है और ई इस भुजा एसी का मध्य बिंदु है। अब हमने क्या किया, इन दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखाखंड खींच दिया है, है ना। डी ई, डी ए बी का मध्य बिंदु है, ई एसी का मध्य बिंदु है। अब आपने इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया है। अगर ऐसा होता है तो हमारे पास क्या रिजल्ट है? अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, ये जो डी ई लाइन है जो कि मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, ये तीसरी भुजा जो कि कौन सी है, बी सी, इसकी आधी होगी और पैरेलल होगी, समांतर होगी। ये दोनों आपस में समांतर होंगी, पैरेलल होंगी। और अगर ये सपोज 12 सेंटीमीटर की है तो ये भुजा कितने की हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर की। और पैरेलल होने से आपको पता ही है कि अगर पैरेलल होती हैं तो हम संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग कोण, एंगल्स और इस तरीके से सारे प्रॉपर्टीज हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए कोई रेखा खींची जाए तो वो तीसरी भुजा की आधी और उसके समांतर होती है। इट विल बी हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड एंड इट विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। आपको ध्यान रखना है। देखिए, इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, E is the midpoint of AC, then DE क्या होगी, BC की आधी और BC के parallel। अब हम इसका converse देखेंगे, इसका उल्टा, converse of midpoint theorem। Converse क्या कहता है बेटा, कि यदि एक भुजा के मध्य बिंदु से, एक तरफ तो मध्य बिंदु है हमारा, मध्य बिंदु से हम दूसरी भुजा के समांतर हमने लाइन ड्रॉ करिए, एक भुजा का मध्य बिंदु हमने पास था और हमने तीसरी भुजा जो कि BC है, यहाँ पर अगर हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो ये जो E पॉइंट है ये भी इसका मध्य बिंदु होगा। कन्वर्स में हम आपको उल्टा रिलेशन प्रूव करना होता है ना, उसमें क्या है कि आपके एक मिड पॉइंट दे रखा है और लाइंस पैरेलल दे रखी हैं, तो हम क्या कहते हैं कि ये जहाँ दूसरी लाइन को कट कर रहा है E पर, ये E भी ऑटोमेटिकली इसका मध्य बिंदु, मिड पॉइंट होगा। That means if D is the midpoint of AB and D is parallel to BC, then E will be the midpoint of AC। आपको दोनों results बहुत ध्यान से समझने हैं और use करने हैं। देखिए, अब हमारे पास है, Raj is having a triangular open space in his plot। उसके पास एक open space है triangular shape में। He divided that space into two parts। इसने इसको दो हिस्सों में बांट दिया बाय ड्राइंग द बाउंड्री पी क्यू वेयर पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। इस तरीके से बांटा कि ये जो पी क्यू है बी सी के पैरेलल है। नाउ पी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, ये पी इसका मिड पॉइंट भी दे रखा है। देखिए, ए बी का मिड पॉइंट पी है। अदर मेजरमेंट्स आर एज फॉलोज, हाइट ऑफ द ट्राइंगल इज 12 cm, हाइट को हमने यहाँ शो कर दिया है। ए पी इज 7, ए पी 7 cm, BC is 10, BC is 10, AC 12, AC is 12 cm, AC की पूरी लेंथ कितनी है 12। तो देखिए, ये इसके कुछ कंक्लूजन हैं जो हमने शॉर्ट में यहाँ लिख लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल PQ is parallel to BC, PAB का मध्य बिंदु है, त्रिभुज की ऊंचाई 12 cm है, AP 7, BC 10 एंड AC 12। क्वेश्चन देखते हैं, लेंथ ऑफ साइड PQ, हमें PQ की लेंथ बतानी है। तो अभी हमने मिड पॉइंट थ्योरम से सीखा था कि अगर किसी भुजा का मध्य बिंदु हमारे पास हो, है ना, और ये पैरेलल भी हो, तो इसकी जो ये भुजा है मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली, ये तीसरी भुजा की आधी होती है, है ना। अगर ये आपको मिड पॉइंट्स दे रखे हैं, पहली बात तो ये मिड पॉइंट दिया हुआ था और ये लाइंस पैरेलल हैं, तो बाय द कन्वर्स हमें पास क्या रिजल्ट आ जाएगा कि क्यू भी इसका मिड पॉइंट है, है ना। तो अब क्यू मिड पॉइंट हो गया, इसका मतलब पी क्यू मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई लाइन है। अब
बाय द मिड पॉइंट थ्योरम आप क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, ये इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है तो इसलिए ये तीसरी भुजा की आधी होगी। दैट मीन्स अगर ये 10 है तो पी क्यू विल बी 5 cm। तो आपको देखें, हम पहले तो हमने कन्वर्स यूज किया, अकॉर्डिंग टू कन्वर्स विलोम पी मिड पॉइंट था ए पी का, और आल्सो पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, देयरफॉर क्यू भी क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए सी, है ना। अब पी क्यू जो कि मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, मिड पॉइंट थ्योरम से हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, पी क्यू क्या होगा, बी सी का आधा, और ये क्या बन गया, 5 cm। आंसर इज ए। नेक्स्ट देखिए, लेंथ ऑफ पी बी, पी बी तो बहुत ही आसानी से आप बता सकते हैं, ये हमें पता है इसका मिड पॉइंट था, तो ये 7 इधर है तो 7 ही इधर होगा, है ना। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट देखिए, लेंथ ऑफ ए क्यू, ए क्यू ए सी हमारे पास 12 cm था, आपको याद होगा ए सी की लेंथ हमारे पास दे रखी थी, ए सी इज 12 cm, तो ए क्यू क्या हो गया, 12 का आधा, क्योंकि क्यू मिड पॉइंट है, सो इट इज 6। आंसर इज सी। नेक्स्ट देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, अब इस पूरे ट्राइंगल का हमें एरिया बताना है। आप देख रहे हैं बेटा, इसकी हमें हाइट दे रखी थी, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है और बेस भी दिया गया है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पे, 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी विल बी, क्योंकि मुझे बेस भी पता है और हाइट भी पता है, तो आई कैन इजीली यूज दिस फॉर्मूला, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई 10, और ऊंचाई की जगह हम क्या लिखेंगे, 12। देखिए कट क्या, आंसर इज 60 cm². आंसर इज बी। नेक्स्ट देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू तो ए पी क्यू कौन सा ट्राइंगल है, ये वाला, तो इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे हमारे पास ये ट्राइंगल है ना, इस ट्राइंगल का अब की बार हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए हमें ये साइड पता है, ए पी इज 7, पी क्यू अभी हम फाइंड आउट कर चुके हैं 5 cm, एंड ए क्यू इज 6 cm। तो आपको कुछ समझ आ रहा है बेटा, कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ यूज कर सकते हैं, जबकि किसी ट्रायंगल की मुझे तीनों साइड्स दे रखी हैं, है ना, क्योंकि अब की बार हमें इसकी हाइट नहीं पता, इस छोटे ट्रायंगल की मुझे हाइट नहीं पता है, तो आई विल यूज हीरोंस फॉर्मूला हियर फॉर एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो हीरोंस फॉर्मूला में हम सबसे पहले क्या करते हैं, सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, है ना। तो आपको पेरीमीटर निकालने के लिए तीनों साइड्स का सम करके डिवाइडेड बाय 2 करना है, सो इट इज 18/2 इक्वल टू 9। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया, एरिया ए पी क्यू विल बी एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वेयर ए बी सी आर 3 साइड्स, सो इट इज 9 माइनस 7 इज 2, 9 माइनस 5 इज 4, एंड 9 माइनस 6 इज 3। अब देखिए आप क्या क्या सॉल्व कर सकते हैं, अंडर रूट 9 इज 3, अंडर रूट 4 इज 2, तो ये तो दोनों बाहर आ गए, 9 और 4 का 3 एंड 2 बाहर आ गए, अंदर आपके पास रह गया 2 एंड 3, दैट मीन्स रूट 6, तो फाइनल आंसर इज 6√6² cm, 6√6, आंसर इज सी। तो आपने देखा किस तरीके से एक ही प्रॉब्लम को डिस्कस करते हुए हमने कितने मैथमेटिकल कंसेप्ट यूज किए, तो आपको बहुत ध्यान से समझना है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल द बेस्ट, कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।